हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू संडे कमेंट बॉक्स। यहाँ पे मैं देता हूँ आपके कुछ चुनिंदा कमेंट्स के आंसर जो कि सभी के काम आते हैं। और यहाँ पे आप अगर आप कोई कमेंट करना चाहते हैं तो आस्क ज्ञानियर करके लिखें तो उसे मुझे पिक करने में आसानी हो जाती है। और सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि कुछ लोगों ने कमेंट किया, क्योंकि मैंने जो कमेंट बॉक्स बनाया था लास्ट टाइम तो उसमें कुछ ज़्यादा ही मेडिकल की इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी थी, तो कुछ लोग ये बोल रहे थे भाई आप डॉक्टर नहीं हो तो आप ये नहीं दे सकती, ये लीगल है। देखो, नॉलेज नॉलेज होता है, ठीक है। नॉलेज, आप सपोज़ कोई व्यक्ति मेडिकल की MBBS बुक लेके आया था, घर पे पढ़ता है तो उसको तो आप रोक नहीं सकते, तो ये नॉलेज है, ठीक है ना। नॉलेज को लेके कोई भी अपने मन से प्रैक्टिस नहीं कर सकता, जस्ट इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए आप देख सकते हैं वीडियोज़, और जिसको मेरी वीडियो अच्छी नहीं लगती तो वो ना देखे, सीधी सी बात है। तो ऐसे लोग जिन्हें मेरी वीडियो से प्रॉब्लम है, ज़्यादा हाई लेवल का मेडिकल नॉलेज पसंद नहीं है तो वो ना देखें। और वैसे भी मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे ना लेके जाऊँ, जितना हो सके उतना सिंपल रखूँ वीडियोस को, बट कुछ ऐसे कमेंट्स होते हैं उनके आंसर देना पड़ता है जो कि मेडिकल और MBBS डॉक्टर्स ही जानते हैं उन चीज़ों को, तो लेकिन मैं बता देता हूँ। सो खैर, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इतना हैवी जानकारी ना दूँ, जो एक नॉर्मल व्यक्ति काम आ सके वही कमेंट्स को मैंने पिक किया है। सो पहला कमेंट है दोस्तों यहाँ पर मिस्टर प्रकाश कुमार जी का। इन्होंने पूछा कि भाई ऐसी कोई मेडिसिन बताओ जो कि किसी भी प्रकार की पॉइजनिंग में 100% ठीक कर सके। क्या होता है कि बहुत से केमिकल्स होते हैं, कई तरह की दवाइयाँ होती हैं, उनकी पॉइजनिंग हो जाती है, तो उनके सबके अलग अलग एंटीडोट होते हैं। वो जानना चाहते हैं कि भाई कोई ऐसी दवाई है कि जो सब में चल जाए। तो एक ही एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि सभी तरह की पॉइजनिंग में काम करता है, जिसे बोलते हैं एक्टिवेटेड चारकोल, बट वो 100% इफेक्टिव भी नहीं होता। अगर आप सोचते हैं कि ऐसी कोई दवाई है जो कि 100% और सभी दवाइयों की पॉइजनिंग में चल जाए, तो ऐसी कोई दवाई नहीं आती है। हर एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट, दवाई, केमिकल का एक सेपरेट उनका एंटीडोट होता है। अगर बात की जाए कॉमन की, तो एक्टिवेटेड चारकोल सब में काम करता है, ठीक है। दूसरा है आप दोस्तों संजय प्रजापति जी हैं, इन्होंने पूछा है सॉरी कि 12th में इन्होंने मैथ लिया था, मतलब कि मैथ स्ट्रीम से थे, और साथ ही इन्होंने एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लिया था बायोलॉजी। वो एक एक्स्ट्रा कोर्स करते हैं कई कई लोग, तो मैथ भी चलता है उनका, बायो भी चलता है ऑप्शनल। तो क्या वो कोई मेडिकल कोर्स जैसे कि BPharma BA MS कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल भी कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आपने बायो तो पढ़ा है ना 12th में, और जो भी इंट्रेंस एग्ज़ाम होगा वो बायो के उसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आप इंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक करके आप एडमिशन ले सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने मैथ लिया था साथ में बायोलॉजी था तो आप मेडिकल कोर्स कर सकते हैं BA MS और BPharma, ठीक। यहाँ पर तीसरा कमेंट दोस्तों फुरकान अली जी का है, स्पर्म एग्जामिनेशन की रिपोर्ट कैसे देखते हैं? देखो, स्पर्म एग्जामिनेशन की रिपोर्ट के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो लेके आऊँगा, लेकिन फिर भी आप इतना समझ लो कि जो भी शुक्राणुओं की जांच की जाती है तो उसमें 3 पैरामीटर्स को देखा जाता है, ठीक है। स्पर्म की मॉर्फोलॉजी कैसी है, स्पर्म का साइज़ कैसा है, और इसका शेप कैसा है, कि मतलब जो शुक्राणु है उसकी बनावट कैसी है, ठीक है। उसकी मोर्टिलिटी देखी जाती है कि वो चल रहा है तो कितनी गति से चल रहा है, उसकी चाल कैसी है। दूसरा, उसका शेप एंड साइज देखा जाता है, वो सेम है या नहीं, नॉर्मल जो स्पर्म का साइज़ होता है वैसा है या नहीं, उसका शेप वैसा है या नहीं, आड़ा टेढ़ा तो नहीं है। ये सारे अगर कॉम्प्लिकेशन होते हैं तो फिर वो स्पर्म कोई काम का नहीं होता, भले से कितने स्पर्म बनते जहाँ। और इवन स्पर्म का काउंट भी देखा जाता है कि स्पर्म चाल अच्छी है, स्पर्म का साइज़ अच्छा है, लेकिन वो कितने हैं ये भी देखा जाता है। सो खैर, इसका डिटेल वीडियो अपन नेक्स्ट कभी देखेंगे। तो यही देखा जाता है स्पर्म के एग्जामिनेशन रिपोर्ट में। चौथे नंबर पर दोस्तों राहुल यादव जी हैं, इन्होंने पूछा कि भाई अधिक गर्मी की दवाओं के साथ कौन सा पाउडर देना चाहिए ताकि दवा गर्मी ना करे। सबसे बड़ा मिथ है ये आज की डेट में, 2022 में भी इंडिया में बहुत से लोग यही समझते हैं कि दवाइयों से गर्मी होती है, कि मतलब गर्मी बढ़ जाती है, बॉडी के अंदर गर्मी बढ़ जाती है। ये बहुत बड़ा मिथ है, और डॉक्टर्स या कोई भी व्यक्ति समझाता नहीं है कॉमन मैन के लिए। एक्चुअल में क्या होता है, दवाइयाँ गर्मी नहीं बढ़ाती हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि दवाई खा ली तो आपको गर्मी लगने लगेगी। दवाइयाँ जो होती हैं वो उनकी जनरेशन होती है, उनका अलग अलग क्लास होती है, कि भाई कोई सी लो कैटेगरी की होती है, कोई सी हाई कैटेगरी की होती है, किसी का डोज ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है। कोई सी दवाई लो डोज पर भी बहुत अच्छा काम करती है, किसी किसी का लो डोज बढ़ाना पड़ता है।
तो कई दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिनसे आदमी को दिक्कत आती है, जैसे कि एनाल्जेसिक दवाइयाँ हो गई, दर्द निवारक दवाइयाँ हो गई, या कुछ एंटीबायोटिक्स हो गए। इनमें क्या होता है, इनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा मात्रा में दी जाती है आदमी को, बन बन ग्राम तक दी जाती है एंटीबायोटिक्स की। तो इससे क्या होता है, आदमी को गर्मी नहीं लगती है, बॉडी फाइट कर रही होती है उस टाइम पे, तो बॉडी के ऊपर एकदम से इफेक्ट पड़ता है, ऑनसेट ऑफ एक्शन जल्दी होता है इनका, तो एकदम से आदमी घबरा जाता है कि बॉडी में हो क्या रहा है। ठीक है, तो गर्मी नहीं लगती है। हाँ, कुछ एनाल्जेसिक दवाइयाँ होती हैं, उनकी वजह से क्या होता है कि एसिडिटी बढ़ जाती है, गैस बढ़ जाती है, पेट फूलने लगता है लोगों का। तो उस कंडीशन में पाउडर तो नहीं दे सकते, आप एंटासिड दे सकते हैं, एसीलॉक या कोई पीपीआई ड्रग दे सकते हैं, पेंटाप्रोजोल, रेप्राजोल, इनसे इन कॉम्प्लिकेशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि कभी भी इंजेक्शन लगवाओ, खाली पेट मत लगवाओ, आपको दिक्कत नहीं आएगी। गर्मी वगैरह कुछ नहीं होता कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, आदमी हैंडल नहीं कर पाता है इतना डोज दवाई की मात्रा का, बस ये होता है। उसके बाद दोस्तों अमन कुमार जी, उन्होंने पूछा कि भाई प्रेगनेंसी में नॉर्फ एंड फ्लॉक्स टीजेड सेफ है नहीं। नॉर्फ फ्लॉक्स टीजेड, एंड फ्लैक्स टीजेड, ये सब एक ही हैं। नॉर्फ फ्लॉक्स और सेंटिनेडाजोल होता है, बिल्कुल भी सेफ नहीं है, बिल्कुल भी सेफ नहीं। ठीक है, ये जो एंटीबायोटिक होता है नॉर्फ्लोक्सासिन, ये कभी भी प्रेगनेंसी के टाइम पे नहीं दिया जाता। आप कई बुद्धिजीवी आएंगे, कमेंट करेंगे, मुझे उल्टी सीधी गालियाँ देंगे कि हम तो लिखते हैं, हम तो 5 साल से दे रहे हैं। ये खैर सबकी अपनी अपनी सोच है, लेकिन स्टडीज में पाया गया है कि ये सेफ नहीं है, हार्मफुल होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद पूछा दोस्तों डॉक्टर मोहित तिवारी जी ने, प्रशंसक हैं भगत सिंह जी के, अच्छी बात है, सभी को होना चाहिए भगत सिंह जी का प्रशंसक, तो खैर हम भी हैं। बोला कि भाई एक्चुअल में क्या है कि एक लास्ट टाइम मुझसे मिस्टेक हुई थी, तो बहुत से लोग कमेंट कर भी रहे थे इस चीज़ पे, लेकिन उन्होंने आस्क ज्ञानियर करके कमेंट कर दिया था, तो इसलिए इनको पिक करना पड़ा मुझे। भैया 80 जो होता है सिस्टोलिक नहीं होता है, डायस्टोलिक होता है। जाहिर सी बात है हर व्यक्ति से गलती होती है, मुझसे भी गलती हुई थी, बोलते बोलते मैं डायस्टोलिक की जगह सिस्टोलिक भूल गया था और सिस्टोलिक की जगह डायस्टोलिक भूल गया था मैं, तो वो मेरी गलती है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। यहाँ पे जब भी किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर को मेंटेन मेज़र करते हैं, तब 80 या उससे नीचे का जो आता है रीडिंग, उसे बोलते हैं डायस्टोलिक, और जो 120 या उससे नीचे होता है लगभग, तो उसे बोलते हैं सिस्टोलिक। तो ये चीज़ है, मुझसे गलती हुई थी बोलने में, थोड़ी सी मिस्टेक, तो प्लीज़ उसको आप समझ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों पूछा है ज्ञानियर फार्मा, इन्होंने मेरे नाम से चैनल बना रखा है शायद से, कि भाई मेरी वाइफ का सर्जरियन हुआ था 12/12/2021 को, और 6 महीने हो गए हैं सर्जरियन का ऑपरेशन, जिस जगह पे हुआ था वहाँ पे साइड में पस बन जाता है। अब क्या करें, सर्जरियन के बाद पस बन रहा है 6 महीने बाद, तो क्या हो सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेंट था, इसलिए इसको लिया है मैंने। होता है ऐसा कई लोगों के साथ कि उनका सर्जरियन हो जाता है और वो पस बनने लगता है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि सर्जरियन जो होता है ऑपरेशन, उसके बाद कई लोग अपने छोटे एरियाज़ में जाओ, गांव वगैरह में, जहाँ पे थोड़ा सा मेडिकल नॉलेज नहीं होता है लोगों को, क्योंकि हर व्यक्ति नहीं रखता है मेडिकल की नॉलेज खासतौर पे, तो वो क्या है, इतना लापरवाह रहते हैं, उनको लगता है ठीक है डिलीवरी करवा ली, घर पर ले आए, अब फ्री हुए, ना ही वो हाइजीन पर ध्यान दे पाते हैं, ना ही वो उसका केयर कर पाते हैं, टाँके जो लगते हैं उनका ध्यान नहीं दे पाते हैं। हो सकता है इनका जो कमेंट आया उसमें ये हो सकती है मिस्टेक कि इन्होंने अनहाइजेनिक कंडीशन में रखा होगा, या प्रॉपर उसकी ड्रेसिंग नहीं कराई होगी, तो वहाँ पर प्रॉपर ड्रेसिंग नहीं हुई होगी, तो थोड़ा सा मात्रा भी, एक बोले कि एक पॉइंट बराबर पस अगर रह जाता है तो वो बढ़ जाता है, इन्फेक्शन बहुत जल्दी बढ़ता है, तो जब ड्रेसिंग हुई होगी उस टाइम पर अच्छे से सफाई नहीं हो पाई होगी, ये कारण है। उसका सोल्यूशन ये हो सकता है कि आपको फिर से गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना है, और जो भी पस बन रही है उसको पूरा जड़ से साफ करना, इतना साफ करना कि ब्लड ना आने लगे तब तक साफ करना, तभी इस समस्या से आराम मिलेगा, और हो सकेगा तो फिर से टाँके डल सकते हैं। तो जब भी किसी को सर्जरीन हो, उसकी ड्रेसिंग सुबह शाम हर 2 दिन में 1 दिन में करना ही चाहिए, सफाई होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एंटीबायोटिक्स अपना काम करेंगे, सुखाने का काम करेंगे, लेकिन सफाई ज़रूरी है घाव की। उसके बाद पूछा दोस्तों सलमान अहमान ने, इन्होंने पूछा है भाई कोई एक ऐसा स्टेरॉयड या पेन किलर इंजेक्शन बताइए जिससे 1 महीने तक दर्द ना हो। ठीक है, और हमारे पास में एक डॉक्टर रहता है जो इंजेक्शन लगाते हैं, तो 1 महीने तक आदमी को दर्द नहीं होता। तो ये सही बात है कि आज भी कई छोटे एरियाज़ में या बड़े एरियाज़ में कुछ डॉक्टर्स इंजेक्शन लगाते हैं, वो 1 महीने तक आदमी को दर्द नहीं होता।
कई कई ऐसा इंजेक्शन लगाते हैं तो 2 महीने तक दर्द नहीं होता। वो इंजेक्शन लगाने वाला डॉक्टर फेमस हो जाता है अपने एरिया में और पैसा भी खूब कमा लेते हैं। हालांकि तो वो इंजेक्शन कौन सा है? देखो यहाँ पे बहुत सारे इंजेक्शन होते हैं, स्टेरॉयडल इंजेक्शन ही लगते हैं जो कि इतना लंबा काम करते हैं और उनका इफेक्ट लंबे समय तक रहता है। तो ट्रायमसिलोन आपने सुना होगा कैनाकोट का इंजेक्शन आता है, वो अधिकतर लोग लगाते हैं, जिस जगह पर दर्द होता है वहीं पर लगा देते हैं। ईड़ी में दर्द होता है ईड़ी में लगा देंगे, पीठ में दर्द होता है पीठ में लगा देंगे, जिस जगह पर दर्द होता है वहाँ पर लगा देते हैं कैनाकोट ट्रायमसिलोन का इंजेक्शन। तो यही एक इंजेक्शन होता है जो कि थोड़ा लंबे समय तक कवर करता है। आई थिंक आपको आपका आंसर मिल गया होगा। ठीक है, द जिंदगी इनका एक यूट्यूब चैनल है, इन्होंने पूछा है कि भाई इंडिया में बैंड मेडिसिन के ऊपर वीडियो बनाइए, तो ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप वो देख लेना, यहाँ पर लिंक मिल जाएगा, आई बटन में मिल जाएगा कि भारत के अंदर कौन कौन सी दवाइयाँ जिनको बैन कर दिया जो नहीं चलती हैं। शादिक अली जी ने पूछा है कि सर वाम पैरासाइट का इन्फेक्शन जो होता है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको जो चिनूनों की समस्या जो होती है, उनको पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, बच्चे काफ़ी ज़्यादा समस्या में जाते हैं, दिक्कत आती है उनको। एक कीड़ा एक ऐसा होता है जिसका मुंह काला होता है और जल्दी जल्दी चलता है, बहुत बारीक होता है, बच्चा पोटी करता है तो पोटी में दिखता भी है, वो कीड़ा दिख रहा है, अल्बेंडाजोल देते हैं तो वो निकल जाता है, लेकिन जड़ से ठीक नहीं हो रही समस्या। क्या करें पूरी तरह से ठीक करने के लिए? देखो वाम वाम होता है, वो चाहे कीड़ा दिखे चाहे ना दिखे, वाम इन्फेक्शन होता है, इसके लिए अल्बेंडाजोल आता है। अगर आप अल्बेंडाजोल दे रहे हो उससे आराम नहीं मिल रहा तो आप मेवेंडाजोल ट्राई कर सकते हैं। मेवेंडाजोल या अल्बेंडाजोल के साथ में एक कॉम्बिनेशन आता है इवरमेक्टिन का, तो उसको भी आप ट्राई कर सकते हैं, इनको आप थोड़ा चलाएं, इससे जल्दी आराम मिल जाएगा। उसके बाद पूछा दोस्तों फिरोज आलम जी ने, जो कि एक आरएमपी डॉक्टर हैं शायद से, इन्होंने पूछा है मेरा एक सवाल है कि हाई ब्लड प्रेशर वाले मरीज को डिलोमा एक्वा इंजेक्शन लगा सकते हैं नहीं लगा सकते? डिलोमा एक्वा इंजेक्शन होता है डाइक्लोफेनिक का इंजेक्शन होता है जो कि इंट्रामस्कुलर इंट्रावीनस लगा सकते हैं दोनों तरह से, लेकिन अगर बात की जाए हाइपरटेंशन की तो ये जो इंजेक्शन है इससे कभी भी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर बढ़ता नहीं है। ठीक है, हाँ अगर किसी व्यक्ति का बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर है उसको लगाना है तो याद रखो सावधानी पूर्वक लगाना, देखो कि उसको शुगर की समस्या तो नहीं है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हाई तो नहीं हो रहा, अगर है भी तो इसका लो डोज लगाया जाता है, हाई डोज नहीं लगाया जाता। ठीक, गोविंद जी हैं, इन्होंने पूछा है कि सर सबसे पहले आपको दिल से शुक्रिया, आपकी वीडियो से ज्ञान प्राप्त होता है, उसका पूरा श्रेय आपको दिया जाता है, जो भी है अच्छी बात है, आप हमारे प्रशंसक हैं, आपको भी धन्यवाद कि आप हमारे वीडियोस देखते हैं, आप हमारे सब्सक्राइबर हैं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। कोई इंजेक्शन का डोज ml में हो तो कितने ml में कितने mg होगा? देखो ये बहुत कॉमन है, ऑलमोस्ट सभी लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी कई लोगों का ये डाउट क्लियर नहीं हो पाता है, तो फिर से मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी इंजेक्शन हो या सिरप हो इस पर लिखा रहता है कि जो भी ड्रग है वो कितने मिलीग्राम है पर ml में। इंजेक्शन और सिरप दोनों लिक्विड फॉर्म में होते हैं तो इनको पर ml लिखा रहता है, पर ml या स्लैश ml लिखा रहता है। कोई इंजेक्शन 10 मिलीग्राम पर 1 ml लिखा है, पर ml लिखा है, तो आप समझ लो कि उसके 1 ml के अंदर 10 ग्राम ड्रग है। तो उदाहरण के लिए अपन मान लेते हैं ऐसे कि ये एक मेरे पास उदाहरण है कि 25 मिलीग्राम पर ml का डाइक्लोफेनिक का इंजेक्शन है, लिखा है 25 मिलीग्राम पर ml, तो उसका 1 ml 25 ग्राम का है, उसको आप आधा करोगे तो आपको 12.5 मिलीग्राम ड्रग मिल जाएगा हाथ में। आप इंजेक्शन आधा इंजेक्शन मारो 0.5 पॉइंट तक मारो आप तो आपको 12.5 मिलीग्राम मिल जाएगा। दूसरा एग्जांपल है कि भाई 2 ml का मान लो पैरासिटामोल का इंजेक्शन है जो कि आता है 150 मिलीग्राम होता है, 150 मिलीग्राम पर 2 ml लिखा रहता है, अगर आपको 75 मिलीग्राम लगाना है तो क्या करोगे आप? 1 ml लगाएंगे, और कम लगाना है तो आप क्या करेंगे 0.5 ml लगाओगे, कितना डिलीवर होगा ड्रग 37.5 मिलीग्राम आप ड्रग दे सकते हैं। तो इस तरह से इसको अंदाजा लगाया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, कोई भी दवा हो वो उसके पर 1 ml पर 5 ml में होती है। ठाकुर विनोद पुंडीर जी हैं, ये पूछते हैं कि भाई नींद न आने के क्या क्या रीज़न हो सकते हैं? सो बताना चाहूँगा बहुत सारे कारण होते हैं। सबसे पहला कारण तो है भाई कि मेडिकेशन, हो सकता है कि आप ऐसी कोई दवाई खा रहे हो कोई बीमारी की या नॉर्मली भी मल्टीविटामिन, तो उनसे भी कई बार नींद नहीं आती है। क्या कोई मेडिकल कंडीशन की भाई आपको कोई बीमारी ऐसी है कि जिस वजह से नींद नहीं आएगी? तीसरा भाई कैफीन, कि भाई आपने रात के टाइम कॉफ़ी ज़्यादा पी लिया,
या आपने अल्कोहल का सेवन कर लिया, शराब पी ली, या निकोटिन जो भी है, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, ये सब पीने से भी नींद नहीं आती है सही टाइम पे। अगर आपको सुना है तो इन सब चीज़ों से दूर रहो। उसके अलावा कुछ कारण होते हैं भाई कि लॉन्ग टाइम स्क्रीन टाइम, लॉन्ग स्क्रीन टाइम मतलब कि आप ज़्यादा रात तक मोबाइल चलाओगे तो उससे निकलने वाली ब्लू लाइट जो होती है आपको सोने नहीं देती, आपकी नींद को उड़ा देती है। तो मोबाइल चला रहे हो रात में तो उसमें आप डिमर यूज़ करो, ऐप आते हैं कई तरह के, उसका जो है बेड टाइम वाला जो होता है ऑप्शन, वो चालू करें, ठीक है। और बस यही कुछ कारण होते हैं। और अपना सोचा बिचारी वाला काम कि आप किसी चीज़ को ज़्यादा सोचेंगे तो भी आपको नींद नहीं आएगी। तो बुक्स पढ़ सकते हैं, म्यूज़िक सुन सकते हैं, आपको नींद आने लगेगी। उसके बाद पूछा दोस्तों द हेल्थ प्रोवाइडर हैं डॉक्टर जे के तिवारी, इन्होंने पूछा है भाई कि एरिस्टोजाइम सिरप और लिफ्ट 52 सिरप से वेट गेन करा सकते हैं नहीं, पेशेंट को दे सकते हैं। देखो एरिस्टोजाइम होता है एक एंजाइम जो कि खाने को डाइजेस्ट करने का काम करता है, और लिफ्ट 52 जो होता है वो आपके लिवर को इम्प्रूव करता है, लिवर के अंदर की होने वाले जो भी फंक्शनिंग में गड़बड़ी आई है, लिवर की कमजोरी हो, लिवर की सेल्स को इम्प्रूव करना हो, लिवर के फंक्शंस को इम्प्रूव करने के लिए लिफ्ट 52 होता है। ये दोनों के दोनों आपके वेट को नहीं बढ़ाते हैं, ठीक है, नहीं बढ़ाते हैं, वेट को बढ़ाने में हेल्प कर सकते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी होती है आपकी डाइट, आप अगर डाइट ही अच्छी नहीं लोगे तो ये दवाइयाँ कुछ नहीं कर पाएंगी। हाँ, आपका खाना अच्छा पचने लगेगा, आपका लिवर अच्छा रहने लगेगा, लेकिन अगर सपोज़ आप अपनी डाइट में कार्ब्स को रखोगे ही नहीं, प्रोटीन को रखोगे ही नहीं, विटामिन्स को रखोगे ही नहीं, तो कहाँ से वेट बढ़ेगा। तो ये है, हाई कार्ब्स हाई कैलोरी फूड लेना पड़ते हैं वेट बढ़ाने के लिए, अच्छी डाइट लेना पड़ती है वेट गेन करने के लिए, और मसल साइज बढ़ाने के लिए प्रोटीन लेना पड़ता है, ठीक है। तो ये सिर्फ आपको सपोर्ट कर सकते हैं जो भी दवाइयाँ आपने बताई हैं, ठीक। तो ये चीज़ है, इनके भरोसे नहीं रह सकते, हाँ ये मदद जरूर करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, ये थे कुछ आपके कमेंट्स और उनके आंसर। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा दूसरा चैनल ज्ञानियर ब्लॉग्स, जहाँ पर हम शेयर करते हैं कुछ लाइफस्टाइल ब्लॉग्स, ट्रैवल ब्लॉग्स, जो कि हो सकता है कि आपको मज़ा आए देखने में, तो प्लीज़ से एक बार जाके उस चैनल को देखें, वहाँ पर भी आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है, सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। सो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।